astrology hai wo sirf like she it's just the driving wheel of your life, it cannot decide your life, wo aapke life ke faisle nahi kar sakti hai. To aap log ko jab bhi koi problem aayega life mein to aap apne decisions khud le, lekin astrology ko ya unki guidance se aap unhe theek karne ki koshish kare, yani life ki problems ko sahi karne ki koshish kare. So agar main astrology ke bare mein thodi aur baat karu to unhone 34 kitabe likhi hain. So can we have a huge round of applause pehle to. एस्ट्रोलॉजी से लेकर अगर मैं बात करती हूँ सन साइंस, न्यूमरोलॉजी, लव लाइफ, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है मतलब कपल्स को या मैरिज को लेकर, तो मुझे लगता है उनसे कंसल्ट करना सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है लाइफ में. अपने घर का वास्तु अगर आपको सेट कराना है, मैरिज के बारे में बात करनी है, या मैंने लव लाइफ की बात ऑलरेडी की, अपने लकी नंबर्स के बारे में जानना है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू. ही कैन गाइड यू सो वेरी वेल क्योंकि वो एक ऐसे स्पिरिचुअल कोच है जो कि अपनी प्रिडिक्शंस मतलब उनकी जो प्रिडिक्शंस है मैं कहूंगी कभी भी रॉन्ग नहीं होती. मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने अपने नाम के आगे डबल ए ऐड किया हुआ है, मतलब नमिता विद डबल ए, मैं सबको बोलती हूँ. इट्स नॉट एन ए एम आई टी, इट्स एन ए एम आई टी डबल ए. तो वो मैंने उन्हीं की वजह से किया और उससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है. मैं सिर्फ यू ही नहीं कह रही हूँ, मतलब इसे मैंने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में. सो विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आई वॉन्ट टू वेलकम द वर्ल्ड्स रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड अ बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड आचार्य पी खुराना जी, जो हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं. आइए सर प्लीज. वैसे मैं उन्हें तब से भी जानती हूँ जब उनके बेटे ना बॉलीवुड के रीनाउंड स्टार्स नहीं बने थे, अपनी जगह बनाने की पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो सर वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ऑफ कोर्स. तो पहले मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं, आप अपना रिस्पेक्टिव चेयर लें. और उनके साथ ही मैं आज उस शख्स को भी बुलाना चाहूंगी जो उन्हें रिगरसली फॉलो करती हैं. शी इज अ मल्टीटास्किंग वुमन, अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, अ सिंगर, अ म्यूजिशियन. उनके बारे में मैं जितना कहूं कम है. आज बहुत खूबसूरत भी लग रही है. वैसे मैं बता देती हूँ कि वो ना अपनी लाइफ में काफी कुछ करने में यकीन करती हैं और उन्होंने भी सर को फॉलो करने के बाद काफी कुछ अचीव किया है लाइफ में. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस शिल्पा धर, हु इज विद अस राइट नाउ. शिल्पा आप ही आ जाएं जरा, आज तो बिल्कुल परिचय सी लग रही हैं आप, है ना. वेलकम, हाउ आर यू? ऑल गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन. तो अब मैं जरा माइक सर को दे देती हूँ, बिकॉज सर इज हियर टू टीच यू लेसन्स ऑन एस्ट्रोलॉजी और वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी सारी बातें आपसे करने वाले हैं. वेल सर, ऑल योर्स. दद्दू साहब आखिर आप आएंगे, इंतजार करा करवाया. जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ. श्रीमा जी का धन्यवाद करता हूँ कि शी इज माई फादर. और सबसे बड़ी बात है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस आध्यात्मिक सभा में जितने भी लोग आए हैं जो मेरी बात सुन लेंगे बहुत अच्छा लगेगा. जो बात मैं बोलने वाला हूँ हर इंसान के, हर शख्स की जिंदगी में ये बात होती जरूर है. कभी कभी क्या होता है कि आप अपने जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही उस पर गुण है, लेकिन तो भी सारे गुण होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं होती, इतने गुण होने के बावजूद भी उसका नौकरी नहीं लगती, इतने गुण होने के बावजूद भी उसको जीवन में कई समस्या होती है. इसके अलावा ये बात सत्य है. दूसरी बात, पति पत्नी दोनों बिल्कुल फिट है फिजिकली. मैन इज पोटेंट, वुमन इज फर्टाइल. विज्ञान कहता है कि इनकी संतान होनी चाहिए लेकिन संतान होती नहीं है. विज्ञान के पास इसका अभी तक कोई जवाब नहीं निकला. नंबर 3, पति पत्नी यानी कि माता पिता अपने आप में बहुत ही बिल्कुल एक साधु स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी संतान इस प्रकार की होती है कि उनके नाक पे दम कर देती है. बच्चा कहता है मेरा हक इतने रख, बच्चा बाप को गोली मार देता है या बाप बच्चे को गोली मार देते हैं. जिसको इतनी मन्नतों के साथ उस भगवान से मांगा होगा, इस प्रकार की कुछ समस्या किसी विद्वान के दिमाग में आई थी, जैसे कि न्यूटन के दिमाग में आया कि सेब क्यों गिरा. सोच विचार किया, न्यूटन का आज का नाम है. न्यूटन की तरह कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति होगा जिसके दिमाग में ये सारी बातें आई होंगी कि ऐसा क्यों है. उसने एक विद्वान ने दूसरे विद्वान को प्रश्न पूछा होगा कि भाई साहब ये क्या चाहिए. तो उसके बाद एक विषय ने जन्म लिया जिसको ज्योतिष कहते हैं. एस्ट्रोलॉजी है
जो ये बताती है कि तुम कितना प्यार करते हो, साइंस कोई नहीं है। द डेप्थ ऑफ लव, द डेप्थ ऑफ एवरी पर्सन, ये कितनी गहराई में बंदा डूबा हुआ है, ये सब एस्ट्रोलॉजी बताती है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में बड़ी बार देखा होगा कि अनपढ़ लोगों ने भी पढ़े लिखे इंसानों के ऊपर राज किया है। उसमें ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए अपने जीवन। कुछ लोगों की बात मैं कहना चाहता हूं जो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट की है। रजनीकांत 35 साल की उम्र तक बस कंडक्टर थे, कुछ सुपरस्टार हो गए, कारण जाना बड़ा कठिन। इसी के साथ बिल गेट्स पढ़ाई बीच में छोड़ दी, वो क्या बने जानना आम लोगों के लिए कठिन है। इसके साथ शाहरुख खान इसी शहर में आए और बेंच के ऊपर सोए, ऑटो के ऊपर 20-20 रुपया लेके वो ऑडिशन के जाते थे, ये भी सत्य है, लेकिन स्टार क्यों बने कोई नहीं जानता। इसी प्रकार जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं, धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल के ऊपर साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका साम्राज्य देखो कि सारा देश सारा वर्ष वही उनको जानता है। तो इस प्रकार की कहानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। पहले एक बात बता दूं, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, नाम और करूंगा आपको, बिल्कुल आपके मतलब की बात करूंगा, कुछ ज्योतिष की बात नहीं करूंगा, सत्य क्या है वो आपके सामने ला रहा हूं। इसमें जितनी बातें आपको बोल चुका हूं, इसमें 2-3 ग्रह ऐसे हैं, चाहे बंदा अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। जब हम MA करते हैं हिंदी की तो संत कबीर को पढ़ना पड़ता है जो कि अनपढ़ थे, शेक्सपियर को पढ़ना पड़ता है जो अनपढ़ थे, जब इंग्लिश की MA करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रभु की कृपा किसी भी के ऊपर हो सकती है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला जो ग्रह जो आप सब लोगों के साथ संबंध रखता है उसको हम बुध ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह वो है जिसके बारे संत कबीर कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे आपको शीतल हो। इसलिए सुभाषीरी और मूर्खधारी, ये बातें मैंने नहीं बताई, शास्त्रों में है और सत्य है। अगर कोई व्यक्ति मीठी भाषा बोलता है, अगर बुध ग्रह से प्रभावित है, तो बुध ग्रह का मन आपके चेतन के साथ है, आपके अध्ययन के साथ है, डायलॉग डिलीवरी के साथ है, आपकी मेमोरी के साथ है, आपकी उड़ान के साथ है, अकेला बुध ग्रह जो उड़ सकता है ऊपर। बुध ग्रह अगर आपका ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि कई एक्टर 20-20 रीटेक लेते हैं और एक एक्टर आता है, उसको बड़े ऐसे आपने डायरेक्टर देखे होंगे जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई अभी तक, कहते स्क्रिप्ट हम आपको साइट शूट के ऊपर देंगे, ऐसे स्क्रिप्ट देखी हो जाओ यस, उसको कहानी भी पता, एक टेक में हिट हो जाती है। गोविंदा जी को देख लीजिए, एक टेक व्यक्ति है जिसने दुनिया के ऊपर राज किया है, क्या बात है उसको होगी, सोचिए जरा, दोबारा ऐसा व्यक्ति पैदा होना मुश्किल है जो एक टेक में अपना सीन दे दे। आना लेट है लेकिन टेक एक में सीन कर देना। दूसरा ग्रह है ये बुध ग्रह का, अगर अच्छा है स्थिति बातें बोल रहा हूं व्यक्तियों की, सबका बुध ग्रह अच्छा है, उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, नहीं उस पर चंद्र ग्रह। चंद्र मन सो जात, मेरा प्यार करने को मन करता है, मैं अपने आप को फांसी पे लटका सकता हूं, मैं देवदास बन सकता हूं, मैं मदरा का प्रयोग कर सकता हूं, मैं मदरा छोड़ सकता हूं, ये सारी की सारी बातें हैं चंद्र ग्रह। जितने भी एक्टर हैं, जहां तक आपकी दौड़ जाती है, दिलीप कुमार साहब देख लो, अमिताभ बच्चन देख लो, माधुरी दीक्षित देख लो, या आप आज आलिया भट्ट देख लीजिए, जितने भी सुपरस्टार आपके दिमाग में आए हैं, जिस सबका नहीं बोलना चाहता, जितने नहीं है, उसमें एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है, वो है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जिसका प्रमाण होता है, एक व्यक्ति आज एक डाकू का रोल कर रहा है, अगले दिन भिखारी का रोल कर रहे हैं, तीसरे दिन डॉन का रोल कर रहे हैं, चौथी फिल्म में वो किसी अनपढ़ व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, एक में जज का रोल कर रहे हैं, वो उस कलाकार में घुस जाता है। वो घुसने का जो कारण है चंद्र मनसो जात। आप कभी चंद्रमा को देखते हो रोजाना, रोजाना उसकी छवि अलग होती है, आज शक्ल अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है,
इसका मतलब कि वहीं से आप अंदाजा लगाइए कि चंद्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी रूप में फंस सकता है। चंद्र ग्रह हर एक एक्टर के लिए, मैंने जितने भी एक्टर बोले हैं सभी का एक कॉमन फैक्टर चंद्र है और उसके बाद एक बृहस्पति। बृहस्पति वो ग्रह है जो कहता है कि मेरी बात मान, जो कहता है मेरी बात सुन, जो कहता है बड़ों की बात मान। उसमें क्या है कि गुरु का संबंध अनुशासन के साथ है। बृहस्पति जिसकी बात कर रहा हूं उसका संबंध डायरेक्टर के साथ है। डायरेक्टर उस वक्त गुरु है। आप रोज अखबारों में तुम्हें पढ़ते हो एक एक्टर आता है, सीनियर एक्टर है, कह देता है यार आप मुझे एक्टिंग सिखाओगे, ये गुरु की वास्तु शास्त्र कहीं खराब है तो आप जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकते। उस वास्तु के आधार के ऊपर मैं इनको कुछ प्रश्न करूंगा, पहले इनका परिचय या प्रकोप देंगे फिर मैं इनसे बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूं, वास्तु की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज मेरे गुरु जी को जल पिलाया जाए। वाह वाह क्या बात है। नहीं इनको ये भी पता है कि मुझे प्यास है, इतना जानती होंगे। अच्छा मेरा परिचय ऐसे है कि मैं अपने गुरुजी के चरणों की धूल हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं खुद को उनके चरणों की धूल समझती हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ यहाँ, वरना मेरी जगह जो है इनके चरणों में, बट जिन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है उनको चेयर की जगह यहाँ नीचे एक गद्दी रखनी चाहिए थी ताकि मैं इनके चरणों पे ही बैठी रहूं, क्योंकि मेरा उतना उतनी लेवल नहीं है और मैं खुद को समझती हूँ कि मेरी उतनी ज्यादा रुतबा नहीं है कि मैं इनके बराबर भी बैठ सकूं। गुरु के स्थान और गुरु के साथ बैठना जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरु ने यह सौभाग्य मुझे दिया कि मैं आप सब लोगों के सामने खुद का परिचय दे सकूं। मेरा जो परिचय है मेरे गुरु से है, मेरी पहचान मेरे गुरु से है, मेरा परिचय आप सब लोगों से है जो यहाँ पर आए हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरा ब्रदर जिन्होंने अपने लिए, जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पे आए हैं, सबके सब प्रेस वाले, दद्दू जी, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मेरी गुरु की मधुर वाणी को सुना। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की होगी अगर आप उनकी मधुर वाणी को अपने जीवन में अप्लाई करें। ये नहीं कि यहाँ से सुन के हम घर चले गए, कोई लेक्चर था हमने अटेंड किया और भूल गए, नहीं, मुझे खुशी होगी अगर आप उनकी बातों को फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का आदर करें। ये कहना ये चाह रही है जो इन्होंने खुद किया है, कहते मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब तक समर्पण पूरा नहीं है। मैं हर एक्टर की बात कर रहा हूँ, हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि जो आपको सिखाने वाला है, मैं एजुकेशन की बात भी कर रहा हूँ। मतलब कि ये गोपाला जी हैं, इनके छोटे ब्रदर हैं, एक बार अध्ययन करते सब कुछ याद हो जाता है, बताइए क्या कृपा इनके। लेकिन ये भी इतनी छोटी उम्र में वहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं कि इन्होंने बड़ों की बात मानी है। आप सोच नहीं सकते कि इनके जो ब्रदर हैं वो अपने पिता, अपने माता, अपनी दादा दादी, जिनके इतने आज्ञाकारी ये भी और इनकी सिस्टर भी, कि इन्होंने आज अगर मेरे पास ये बैठी हैं या मेरे सामने बच्चा बैठा है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है। अगर मैं विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास क्यों करूँ, इनके परिवार को देखे विश्वास करना पड़ता है कि जो बच्चा अपने माता पिता और दादा दादी के साथ जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, हमारी कसौटी पूरा उतरा है। अब मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जो आपको जवाब देंगे। सबसे पहली बात यह है कि मैं वास्तु शास्त्र की बात कर रहा हूं, इसके 5 तत्व होते हैं, तो उसमें आप ये बताइए कि अगर अग्नि तत्व मान लीजिए किसी घर में कम है, उसका उनको जो वास्तु करेंगे, इसके बारे में अपने हिसाब से अपनी भाषा में बताइए। जी अग्नि तत्व 5 तत्वों में से एक तत्व है। हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व विराजमान होते हैं और हमारे आसपास के वातावरण में भी 5 तत्व विराजमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे जल है, मेरे सामने जल है। अब आप बोलेंगे अग्नि कहाँ है, अग्नि की कमी यहाँ पे नहीं है क्योंकि पीछे जो है अग्नि से खाना गर्म हो रहा है। तो
अग्नि भी एक तत्व है, जो शिखर है आसमान है वो भी एक तत्व है, जमीन धरती माता भी एक तत्व है। जैसे कि मेरे गुरुजी ने प्रश्न किया कि अगर अग्नि तत्व कम है घर में तो आप लोग रोजाना ज्योत जलाएं, परंतु ज्योत कौन जलाएगा घर में? वो जलाएगा जिसकी खुद की कुंडली में अग्नि तत्व मिसिंग है। जिसकी खुद की कुंडली में अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग है वो ज्योत नहीं जलाएगा। तो बेसिकली जो हमारा वास्तु है वो आपकी कुंडली के साथ कस्टमाइज्ड है। अब आप ये देखिए, बॉम्बे में इतने बड़े बड़े टावर्स होते हैं 34 फ्लोर के, 35 फ्लोर के, तो वहां पे हर एक फ्लैट जो है एक ही दिशा में है, लेकिन किसी फ्लैट में कोई आबाद है और किसी फ्लैट में कोई बर्बाद है। इसकी वजह क्या है कि कुंडलियां सबकी अलग अलग है जो उस घर में रहते हैं, और सबकी कुंडली में कौन सा तत्व मिसिंग है और कौन सा तत्व चाहिए हमें, वो हम आपकी कुंडली के साथ आपकी वास्तु को मैच करते हैं और आपको बताते हैं। तो अगर आपका अग्नि तत्व कम है तो उसके लिए आप ज्योत जलाइए घर पे, कैंडल्स जलाइए स्पेशली ऑन फ्राइडे, है ना, और आप माचिस जो है माचिस का प्रयोग करें गैस जलाने में, बशर्ते इसके कि आप लाइटर का प्रयोग करें, क्योंकि लाइटर से वो अग्नि, वो ज्वाला नहीं आती जो मैचेस जलाने से आती है। और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है, जैसे ऑफिस में आप हैं तो ऑफिस में आपका मंदिर है, वहां आप जो जला सकते हैं, ठीक है। कोई भूल चूक तो माफी, कुछ मैंने गलत अगर बोला हो। अगर किसी घर में जल तत्व की मात्रा ज्यादा है, जल तत्व की मात्रा ज्यादा है या मात्रा बिल्कुल नहीं है, उस घर में कभी भी धन रुक नहीं सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा दीजिए उस घर में, क्योंकि जब हम वास्तु करते हैं तो उस घर में हम देखते हैं कि किस तत्व की कमी है और कौन सा तत्व ज्यादा है। जैसे इन्होंने अग्नि तत्व की बात की थी, आप देखते हो एक फैक्ट्री में आग लगी, टेलीविजन पे आया था कि जूते की फैक्ट्री थी, मुंबई में आग लग गई। एक ट्यूशन कोई पढ़ाता था दिल्ली में, उसके घर को आग लग गई। कभी इसने सोचा भी होगा कि मेरे घर को आग लग सकती है? अगर अग्नि तत्व कहीं ना कहीं आपके आपके विरुद्ध है तो घर में बिल्कुल आपके हर वक्त क्लेश रहेगा, वो अग्नि की ज्वाला रहेगी, चाहे सास बहू का झगड़ा हो या बाप और बेटे का झगड़ा हो। तो इस प्रकार जल तत्व की बात की, और इस प्रकार वायु तत्व जो है, इसमें एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं। वायु तत्व अगर आपका प्रबल है तो इंसान प्रातः का उठते ही चलो भाई काम करो, चलो 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 जल्दी करो, हाँ जल्दी बर्तन संभालो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्योंकि हवा उड़ना चाहती है, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने अपने आप को नंबर वन बनाना चाहता हूं, ये आपका वायु तत्व है। वायु तत्व की अगर कमी है तो कहेगा छोड़ो भरे जी, जीवन छोटा सा है, बड़ा कुछ करके देख लिया, और हमने कौन सा पढ़ के क्या करना है, बच्चे नहीं भी पढ़ते तो क्या बात है। अब एक ही घर की बात कर रहा हूं, उसमें एक अगर वायु तत्व की समस्या हो जाए, जस्ट इमेजिन कि इंसान की जिंदगी कितनी बर्बाद हो सकती है। इसी प्रकार आकाश तत्व की बात आप करें। आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व हमारे इस चक्र से जुड़ा होता है, जो डायरेक्ट जिसका रिलेशन यूनिवर्स के साथ होता है, कॉस्मोस के साथ होता है। अगर हमें अपना आकाशीय एलिमेंट एनहांस करना है घर में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, या जहां पे भी आप काम करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेंटिंग अपने घर में उड़ते हुए पक्षियों की नीले रंग की जरूर रखनी है। पेंटिंग रखने से इसको रोजाना आप देख सके कि पक्षी उड़ रहे हैं आसमान की तरफ, वो डिपिक्ट करता है आपका वायु एलिमेंट। आप बलून्स किसी भी ओकेजन में फुला सकते हैं, जिससे कि एयर एलिमेंट, यू आर थ्रोइंग आउट एयर, बेसिकली द आइडिया इज यू आर थ्रोइंग आउट एयर फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी, उससे आपकी मेटाफिजिकल बॉडी आपके ऑरा पे इफेक्ट करता है, और आपके घर के, आपके वातावरण के जो प्रभाव है आपके वातावरण पे, आपके आसपास की ऊर्जाओं पे, उस पे भी इस चीज का इफेक्ट करता है, पड़ता है। भूमि तत्व आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट भूमि तत्व अगर आपके घर में, अगर किसी का कमजोर है घर में, उस घर में संस्कार नामक चीज हो नहीं सकती। बच्चा बाप को गले से पकड़ लेगा, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी, मैं नहीं मानना चाहता आपकी बात, वो बड़ों की बात सुनेगा नहीं उस घर में, उस घर में हमेशा जंग रहेगी। जिसको की भूमि का संबंध आपके संस्कार, आपके जुड़े होने के साथ है, मतलब घर वो होगा जहां सारा दिन ताश चलती है, उस घर में भजन नहीं हो सकता, उस घर में प्रॉपर भोजन नहीं हो सकता, वो कहेंगे आज खाना बाहर खाते हैं, महीने में 30 दिन करते हैं, लोग गलत बातें भी करते हैं बहुत, मुझे मालूम है, स्पेशली इन दिस कंट्री, बट
सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, और सारी बातें अंधविश्वास की कैटेगरी में नहीं आती, राइट? थैंक यू. एक बार धन्यवाद जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े हो, और यात्रा आपकी बिल्कुल अच्छी रहे. किसी प्रकार की कभी भी समस्या आपके जीवन में अगर ऐसा लगता है कि आपको आई है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, एक ही बात का ध्यान रखना है, अच्छा मित्र, पिता, एक अच्छा दोस्त, या अच्छा डॉक्टर, या अच्छा स्कॉलर आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकता है. इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता. एक बार आप कभी बार बार ऑपरेशन होता तो भी कहते मतलब ठीक नहीं हुआ. एक बार एक छोटी सी बात आपको किसी के समझ में आ जाती है, वो छोटी सी बात क्या है, कहते हैं जा यार इंटरव्यू पे, क्या फर्क पड़ता है, और जाता है तो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी सारे फेल हो जाते हैं. ये एक प्रतिभा एक पिता को या गुरु को मालूम है, और किसी को मालूम नहीं होती. तो इन सभी बातों के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ. दादू जी आपका धन्यवाद करता हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मुझे सबसे पहले परिचय कराया नमिता सचिन, जो कहती कि नाम ये ठीक कह रही है कि पहला शो लाइव था, ये बात 15 साल पहले हुई होगी मेरे ख्याल में. बच्चे ऐसे ही इतनी बूढ़ी नहीं हुए, मतलब कि मुझे तो मैं बड़ा रहा हूं. उसमें क्या है कि लाइव शो पहली बार करना, और उस वक्त बंदा फंबल भी कर सकता है. She was anchoring, she was hosting the show, and I was doing the show. तो ये बातें मैं याद करता हूँ. ये मैं एक बात मैं नमिता जी को बुलाता हूँ. एक बार मैं सबका धन्यवाद कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड मैं भी सुन रही थी, काफी टाइम बाद आपको आपके साथ रूबरू होने का और आपको सुनने का भी मौका मिला. हमेशा सर के साथ शोज किए हैं तो साथ में बैठ के सवाल पूछने का वो क्यूरियोसिटी तो मुझे हमेशा रही है. बट आज ये जो बातें हुई हैं यहाँ पे, आई एम श्योर आप लोग ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. और जैसे सर ने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका एक सच्चा मित्र, आपके पिता, आपके जो भी गाइड है लाइफ में, उनकी बात जरूर सुनिए. और मैं तो कहूंगी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर का नंबर आप ले लीजिएगा और सर को एक बार कॉल कर लीजिएगा, बिकॉज सर कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन एनी ऑफ योर प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ. और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है ना सर के बारे में, जितना मैं उन्हें जान पाई हूँ आज तक, कि चाहे कितनी भी पैनिकिंग सिचुएशन मेरी लाइफ में रही हो या किसी की भी लाइफ में हो, व्हेन यू विल कॉल हिम एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर, एज अ स्पिरिचुअल कोच, एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो आपको कभी डराते नहीं है किसी भी और एस्ट्रोलॉजर की तरह, या आपको कोई ऐसा गाइडेंस नहीं देंगे जो शायद आप कर ना पाए. वो आपको ऐसा गाइडेंस देंगे जिससे आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाओ, या क्या पॉजिटिव करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, नेगेटिविटी को, लाइफ के स्ट्रेस को आप दूर कर पाओ. बस इतना ही कहना चाहूंगी एंड में. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ गाइड इन माय लाइफ. थैंक यू. थैंक यू सो मच शिल्पा, आज आपने जो बात बताई है सूर्य नमस्कार की, वो शायद इससे पहले मैं नहीं जानती थी. और अब से मुझे लगता है मुझे भी रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए. वैसे एक्सरसाइज के फॉर्म में करती थी, लेकिन अभी स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली जरूर करूंगी. एंड आई एम श्योर यू जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, यू वुड ऑल्सो फॉलो सूर्य नमस्कार. कितने लोग करने वाले हैं वैसे? चलिए तो अब हमें लगेगा कि अगर आप लोग में से 5 लोग भी ऐसा रोज सुबह उठकर करते हैं, तो आई थिंक आज की क्लास पूरी तरह से हमारी सक्सेसफुल हुई, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग. अपने परिवार से मुलाकात हुआ है, बाकी तो श्रीपा सर सुनता रहता था. काफी एनकरेजिंग है, मैं भी इंकरेज करता हूं. वो कलर से अलग से एनर्जी है. जी जी जी. एंड आई थिंक 24 आवर्स एनर्जी रहते हो. अब हम भी आज जर्नलिस्ट और हम भी ऐसा फील्ड में रहे, हमका 24 आवर्स एनर्जी रखना पड़ता है. एंड मैं अभी विनीत को रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बुके देंगे. आपको बुके रहेगी एक्चुअली, आपको पहले देना था. होंगे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा हमें मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, पॉजिटिविटी भर देते हैं आप जब भी जहां भी जाते हैं. तो इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो आप? वाओ, ये तो नहीं सवाल ही हमें हो गई. पहली बात ये सुनिए, हर इंसान की जिंदगी में कष्ट है, ये मान के चलो. चाहे धनवान क्यों ना हो, वो पैसे से जिंदगी में कुछ नहीं खरीद सकता, ना मित्र खरीद सकता है, ना प्यार खरीद सकता है, मकान भी खरीदने का अवसर नहीं आया उसे.
सिर्फ ये है कि एक जिंदगी में एक ये बात समझिएगा, इंसान जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है या हंसता है, हो सकता है कि सबसे ज्यादा कष्ट उसको। एक इनकी बात सुनकर जो सबसे ज्यादा एक ओपिनियन थे, उसका नाम भूल गया मैं, उनसे पूछा किसी ने कि जब तुम्हें कष्ट होता है तो क्या करते हो, आंसू बहाते हो? तो उसने कहा मुझे, मैं नहीं चाहता कि मुझे रोता हुआ देखे, वही मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे रोता हुआ देखे या मेरी चरम सीमा की पीड़ा को देखे, सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस वक्त बरसात में चले जाओ, जी भर के रो दो, किसी को मालूम नहीं होगा कि रो रहा है या हंस रहा है। तो मुझे उस पानी की तलाश करते हैं जहां पर मैं अपने आप को सिला देता हूं, लेकिन उसमें मुझे तो भी आनंद है। मैं इनका फैन हूँ पुराना, और ये है द लेजेंडरी वन एंड ओनली पी खुराना। भैया सुनील बाल जी, सत श्री अकाल जी, कपिल बाल जी, आप मुझे बोलो आयुष्मान भव। आयुष्मान खुराना के पिताजी भी है ना? बिल्कुल पिताजी ही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं जितने भी वहां पे उपस्थित लोग थे इस आध्यात्मिक यात्रा में, अगर एक व्यक्ति को भी मेरी बात समझी आ गई, तो मैं समझूंगा भाग्य का, परमात्मा का मैं शुक्रिया करूंगा कि मैं इस काबिल हूँ कि एक बंदा मेरी बात समझ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पुराना जी का स्पीच भी मतलब इतना अच्छा सुना और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा था और क्यू एन ए भी हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं, जिससे पहले मैंने कहा कि मैं इस लाइक नहीं हूँ कि इनके साथ मंच पे बैठ सकूँ, इनके चरणों में मेरी जगह और हमेशा रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच पे इनके साथ बैठी हूँ, अपने गुरु के साथ बैठी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी जो भी बातें इन्होंने कही बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत वाजिब है, और इन बातों को सिर्फ सुन के यहाँ से निकल के हमें दफन नहीं करना, हमें उन्हें कैद करना है अपनी रूह के इतने अंदर कि हम उन्हें अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें, अप्लाई कर सकें। वो मैटर करता है, तभी हमें लगेगा हमारा आज का दिन जो है वो सफल हुआ, इनकी वाणी जो है वो सफल रही, इतनी इन्होंने एनर्जीज जो दी वो सफल रही। सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े जो माने जाने एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आपके भाजी में बैठे हैं और इतना अच्छा बुक भी आज लॉन्च है और बहुत अच्छा एक स्पीच भी दिए थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो समझ नहीं कि आज सपना पूरा हुआ, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली जाता था सर के, मैंने काफ़ी सारे बैनर देखे, काफ़ी सारे प्रोग्राम चलते हैं, इनके सत्संग चलता है, प्रोग्राम चलता है, इनके सभाएँ चलती है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। मैं थैंक्स बता दूँ सब प्रोग्राम मीडिया से, धन्यवाद कर, परमात्मा का धन्यवाद करूँगा इसे महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। ये मतलब आयुष्मान खुराना साहब की फिल्मों में आने से पहले ही मैं इनका फैन, ज़बरदस्त फैन हूँ। मैं आयुष्मान खुराना साहब का बाद में फैन बनाऊँ, पहले मैं इनका फैन बनाऊँ। तो आप सबके सामने मैं कहना चाहूँगा कि सर पी खुराना साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि, और मुझे आशीर्वाद दीजिए आयुष्मान खुराना, आयुष्मान भवन, क्योंकि इनके दो होनहार सुपुत्र जो इंडस्ट्री में धमाल मचाए हुए हैं, एक तो आयुष्मान खुराना था, बना ना सुपरस्टार, आप भी हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, और बहुत अच्छा लगता है। और इनका नेचर जो है आपको देख के लगता है कि जो बड़ा वृक्ष होता है, जो फलदार वृक्ष होता है, क्यों झुका होता है, इनसे आप सीख सकते हैं। ये हमारे ज्योतिष की दुनिया के अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है, बात ये जी इन्होंने जो बात करी है, मैं निःशब्द हो गया हूँ, मैं वाकई निःशब्द हो गया हूँ। मैंने जीवन में सोचा नहीं था कि मेरा अपने दिल में ये बेटा बड़ा सम्मान रखते हैं, क्योंकि एक बात था, किसी की बात को बात उस व्यक्ति की बात को जरूर मानिए जो स्टैंडअप कॉमेडी करता है, उसे जिंदगी को बड़ी नजदीक से देखा होगा, वरना सारा सत्य कठिन था। और मैं ये बार बार कहता हूँ, अपने मन की बात कहता हूँ, कि अगर ये ज्योतिष महाराज नहीं होते, ज्योतिष सम्राज नहीं होते, तो ये बहुत बड़े स्टैंडअप कॉमेडी होते। सर आपको आज काफी बुक दिख रहे हैं, जिस तरह हर कलर में दिख रही है और काफी जो है अलग अलग जो है नाम भी दिए गए हैं, आपको अगर पसंद करना है कौन से बुक को पसंद करना चाहेंगे? इसमें से जो सबसे बेस्ट मेरी बुक है, जिसको मैं कहता हूँ इंसान को पढ़नी चाहिए, वो लव्स
सर, और आपको सर कौन सी बुक सबसे ज्यादा पसंद? जो मुझे मेरे नसीब से मिली वही मुझे पसंद है, क्योंकि देखिए आप कलर मैच कीजिए, यहाँ भी मैच हो रहा है और यहाँ भी मैच हो रहा है। चीज और सर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, सर इज अ वेरी रोमांटिक पर्सन आई मस्ट टेल यू, और सर रोमांटिक जो शायरी होती है वो बहुत कमाल करते हैं। शायद ये आपकी इंस्पिरेशन भी रही है ना, लव के बारे में जितनी आपने किताबें लिखी हैं, लव साइंस और एक और भी मैंने बाहर देखी है। ये हर चीज का मैच, हर चीज का सही मैच करना जानते हैं, सही मतलब परिस्थिति से आपके हालात से आपको मैच करवाना जानते हैं। इसलिए देखिए आपने छोटा सा एग्जांपल देख लिया, मैंने तो मैच में आपके करना चाहूंगा इसको। थैंक यू वेरी मच सर। ये बुक के अंदर किस तरह से टाइप किए होंगे गए होंगे क्या इस बुक के अंदर किस तरह से टाइप किए गए होंगे, किस वर्ड का जो उपयोग किया गया इसमें? इसमें हाँ, ये जो बुक है लिव इन रिलेशनशिप जो है आज के युग में ऐसा है कि एक साल दो साल इंसान लव करता है, उसके बाद कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार खत्म हो जाता है। तो क्यों होता है खत्म? कुंडली मिलने के बावजूद भी तलाक क्यों हो जाता है? इस किताब को लेकर और लव भी करो, सोच के समझ के करो कौन सा सन साइन किसके लिए अच्छा है, इसमें उसका चर्चा है। अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले आप मुझे परिचय दीजिए, आपको परिचय दे रहे थे। तो चलिए जैसे हम बात कर रहे थे कहाँ पे देखकर, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि हम एक ऐसे, आज हमारे साथ एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ काफी, जैसे आपको सुनील पाल जी ने भी बताया कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर ना होते तो वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होते, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही रोमांटिक इंसान है और उन्होंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है, इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस पर्सन। एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी उनका मानना ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, पॉजिटिविटी के साथ उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उतना ही रोल प्ले करती है जितना आप समझते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकती, उसे सिर्फ ड्राइव कर सकती है। आपकी जिंदगी के पहिए आप खुद हैं, तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम देखे हैं दुनिया में जो आपको डराते नहीं है, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। सो ही इज वन ऑफ द रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हु इज विद अस राइट नाउ, आचार्य मुश्किल से गुजरे मेरी सारी उम्र में, उन्होंने कहा था कुछ पता ही वक्त दो मुश्किल से गुजरे मेरी सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने। ला पिला दे साथिया पैवाना पैवाना के बाद। क्या बात, क्या बात। अभी यहाँ